दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। सबसे पहले बात करें यहाँ पर एपीएस, एपीएस परीक्षा की उत्तर कुंजी है, वो जारी न होने पर जो है उठे सवाल। तो यहाँ पर जो है इसमें आरटीआई दाखिले के सामने इसके जो है वहाँ के बाद ही इसमें जो आयोग से मिलेगा जवाब। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एपीएस परीक्षा को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी खबर इसमें आ चुकी है ये। और आपने देखा यहाँ पर जो वैक्सीन जो लगवाई गई थी, यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि एस्ट्राजेनेका ने जो है कोविड टीके से जो क्लैंटिंग की बात स्वीकारी, उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया ब्रेन है डैमेज हो रहे हैं। कोविड 19 की जो सिरप लगाई थी, खाने मतलब जो वैक्सीन थी, यहाँ पर जो कोविड 19 की जो है वैक्सीन से जो खून के थक्के यहाँ पर जो है जमना शुरू हो गए, दुष्प्रभाव इसमें जो है पड़ना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है सब कुछ पूरी बात यहाँ पर जो है वो स्वीकारी गई है। तो बात सही है गलत है नीचे कमेंट कीजिएगा कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। और यहाँ पर भी जो है इस तरीके से यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है, वैक्सीन लेने के बाद जो है ब्रेन डैमेज का यहाँ पर जो शिकार हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इस तरीके से खबरें यहाँ पर लगातार आ रही हैं। वैक्सीन जो लगवाई गई थी यहाँ पर जो इसकी, यहाँ पर जो है इस तरीके से खबरें लगातार अखबार के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपनी जो है, कंपनी ने बात स्वीकार कर ली है कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो इसके साइड इफेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। बात करें यहाँ पर छूट गए जो है 1.25 लाख जो है SC विद्यार्थी को अगले महीने मिलेगी छात्रवृत्ति। तो बात करें यहाँ पर समाज कल्याण विभाग ने जो है दिया 3 मई तक कमी सुधारने का मौका। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छूट गए लगभग जो है 1.25 लाख SC अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसमें छूट चुके हैं, और यहाँ पर जो है ये छूटने के बाद अभी तक जो है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बात करें यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय की LU मतलब कि लखनऊ जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बताया गया इसमें जो कि LLB जो है BCOM ऑनर्स की परीक्षा 2200 होंगी, है ना। सुविधा यहाँ पर जो है आप लिखकर भी जो है जमा कर सकेंगे प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से खबर यहाँ पर इसमें आ चुकी है। ये जो नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो UGC नेट अब जो है 18 जून को होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है UGC नेट ने जो है परीक्षा जो कराई जाएगी वो आपकी 16 जून को इसमें कराई जाएगी और 18 जून को इसमें कराने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसा किया जा रहा है कि नेट और सिविल परीक्षा एक दूसरे टकरा रही थी। आप सभी जानते हैं जिन्होंने नेट का फॉर्म भरा हुआ, साथ में जो है इसमें UPSC का फॉर्म भरा हुआ, तो आपस में परीक्षा टकरा रही थी, इसलिए यहाँ पर जो इसको इसमें हटा दिया गया है। और एक भर्ती और निकाली गई यहाँ पर जो है ये RPF के अंतर्गत 4660 पदों पर होगी बहाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन मांगे गए थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन पहले ही आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर जो है ये इसके अंतर्गत क्या है कि ये लास्ट डेट बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है लास्ट डेट है ये 14 मई 2024 शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कांस्टेबल के फॉर्म भरते हैं तो 10th पास होने चाहिए, ठीक है। तो 10th पास अगर आप होंगे तो आप इसके अंदर कांस्टेबल फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको जो है इंस्पेक्टर एक तरीके से SI बनना, सब इंस्पेक्टर बनना, तो आप स्नातक मतलब क्या BA BSc BCOM अगर आपने कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट यहाँ पर दे रखा है ये, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 से 28 साल के इसमें उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, 20 से लेकर 28 साल तक इसमें होने चाहिए। आवेदन कैसे करें, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें indianrailway.gov.in पर जाकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर शुल्क यहाँ पर जो है ये जनरल OBC से 500 रुपया है और अन्य से जो है 250 रुपये फीस है, ठीक है। पर इसके अंदर फीस जो है वो लॉट भी आती है। बात करेंगे यहाँ पर आयु सीमा की, यहाँ पर जो है आयु सीमा देख लीजिए, यहाँ पर सिपाही पद के लिए 18 से 28 साल और जो आपको सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ से 20 से 28 साल उम्र इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4660 पदों और वैकेंसी इसमें आ चुकी है, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। बात करेंगे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट यहाँ पर दे रखा है आपको 14 मई 2024 दे रखी है। बच्चों के अंतर्गत यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो बच्चों को ज़्यादा फ़ोन देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बताया गया इसमें जो है बच्चों में सर्वाइकल का पेन बढ़ा, मोबाइल की लत डॉक्टर बोले 2028 तक यह महामारी बन जाएगी। मतलब वही चीज़ कहना, मतलब क्या है इतने साइड इफेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इससे बचिएगा यहाँ पर जो है। और आप सभी जानते हैं, बंगाल सरकार ने जो शिक्षक भर्ती जो रद्द कर दी है, 8000 पदों पर जो आई थी लगभग जो 25000 पदों पर जो है ये, तो यहाँ पर लिखा चंद व्यक्तियों को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को क्यों। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला CBI जांच पर रोक, नियुक्ति पर नहीं है, ठीक है, नियुक्ति पर रोक नहीं है, अभी CBI जांच की रोक है। यहाँ पर जो है लगभग जो है ये 25753 पदों पर नियुक्तियाँ हो गई थी। कानपुर से खबर एक और आई निकल के, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है फर्जी तरीके से नौकरी पाए सभी 9 शिक्षक को जो है यहाँ पर केस, एक का इस्तीफा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये इसमें जो बाद में शिक्षक की जो है फर्जी मेल ID से नौकरी पाने वाले सभी 9 शिक्षक के खिलाफ जो है जिला विधान निरीक्षक पर जो है तहरीर फजलगंज पुलिस में जो है सोमवार को रिपोर्ट दर्ज करा ली गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये इसमें 2 महिला शिक्षक भी ने ज्वाइन कर लिया था, तो
मामला जब खुल के आया सामने तभी समझ में आया कि शिक्षा भर्ती बचाड़ा इसमें फर्जीवाड़ा उसमें हो रहा है। कानपुर की शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी खबर यही है, कानपुर में शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ, इस तरीके से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। बात करें यहाँ बीएड कॉलेजों में जो है नामांकन बीमारी के पहले सप्ताह में, बात हो रही बिहार के, ठीक है, अभी हमारे यूपी के तो आप सभी जानते चल रहे थे, यहाँ पर जो है 36 सीटों पर जो है नामांकन शुरू हो चुके हैं। बात करें यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग में जो आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए लोअर डिवीजन क्लर्क के हैं, पोस्टल असिस्टेंट के हैं, 3712 पदों पर है। लास्ट डेट की बात करेंगे 7 मई 2024 है, 12th पास अगर आपने कर रखा तो फॉर्म भर दीजिएगा। वहीं पर इसके अंदर आप बहुत से बच्चे हैं फॉर्म भरना कैसे सर, ये रही इसके ऑफिशियल जो है वेबसाइट, यहाँ पर जाकर जाला फॉर्म भर दीजिए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं MTS के और लोअर डिवीजन क्लर्क के और साथ में अपर डिवीजन क्लर्क के, एक सरकारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट की बात करेंगे 25 मई 2024 दे रखी है। ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाकर यार फॉर्म भर दीजिएगा यहाँ पर जो है ये। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ एक केंद्रित विश्वविद्यालय है ये, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 15 मई 2024 की लास्ट डेट दे रखी है ना, तो इसके अंदर फॉर्म आप जरूर भरिएगा, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकाली गई यहाँ पर जो है ये, और MTS लोअर डिवीजन क्लर्क सबकी है ये वैकेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये दे रखी है, और यहाँ पर जाकर यारा फॉर्म भर दीजिए, यहाँ पर लिंक आपको इसमें जो है मिल जाएगा नीचे, ये देख लीजिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर यारा फॉर्म भर सकते हैं आप ये जो। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर की पदों पर जो है, लेबर जो होते हैं लेबर के पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, 15,000 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए ये वैकेंसी जो निकाली गई है जो है 18 से 35 साल अगर आपने एज लिमिट कर रखा है, एज लिमिट है, तो उसके अंदर फॉर्म आप जरूर भरिएगा, ठीक है। और ये आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकाली गई यहाँ पे वैकेंसी है ये, और यहाँ पे करना कि आपको जो है PDF बना के सेंड कर देना इस वाली ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट याद रखना 10 मई 2024 दे रखी है, और सिंगल फाइल बना के भेजनी, डबल नहीं भेजनी है भाई, ठीक है। और इंटरव्यू आपका इसमें ऑनलाइन कराया जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो है इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्म जरूर भर दीजिएगा यहाँ। अगर आपने जो ये वाला वीडियो नहीं देखा, कल रात का वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो ये EMRS के फेज 2 की वैकेंसी के बारे में बताया गया है, बताया सर प्लीज़ बताना EMRS का जो फॉर्म कब तक भर जाएगा। 40 साल केवल SC वालों के लिए होता है भाई, SC और OBC का 35 साल तक होता है, ठीक है, बता दूँ, फिर भी डेट इसमें बदलाव होते रहते हैं यहाँ पर जो ये। और ये देख लीजिए आप, बस में जो है बस इतना होता है, कंटेंटमेंट हो जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिएगा भाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ। इसमें जो वो कह रहे हैं कि सर फ़ोन नंबर सेंड कर दीजिए, भाई मैंने कहा कमेंट कर दीजिए, जो बात आप मेरे से फ़ोन पर करेंगे ना, तो ये वाली बात आप कमेंट से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लखनऊ में नगर निगम वैकेंसी इलेक्शन के बाद आएंगी, बिल्कुल आएंगी भाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर एक खबर एक ये PC अफसर, यहाँ पर जो महिला जो लिपिक थी ना उसको निलंबित कर दिया गया, मैंने आपको बोला ना कि संविदा नौकरी तो तुरंत एकदम चली जाती है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, टेंशन फ्री रहिएगा। और यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है ये लिपिक को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। और चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के प्लस, थैंक यू वेरी मच।